बस एक मिनट और रुकना बस। ये ऑर्डर ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था कि किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया, एक आध बच्चे ने अटेम्प्ट किया है, काफ़ी अच्छे मार्क्स का एक्सटर्नल में आता है आपका, जिसमें आपको करेक्शन निकालना होता है और मल्टीपल इसमें आपका अट्रैक्शन दिए होते हैं, एरर दिए होते हैं, जैसे कि ये सेक्शन बी का 2 का D वैल्यू चेंज होगी सभी के में, करना इसी तरीके से है। तो इसमें एक चेन दी हुई है 30 मीटर की, टेम्परेचर वेरिएशन दिया हुआ है, पुल वेरिएशन दिया हुआ है। आपको याद होगा तो चेन करेक्शन में बताया था मैंने कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, और तो उसमें भी दो कंडीशन, दो तरह के न्यूमेरिकल आते थे कि आपका जब आपने स्टार्ट किया सर्वे तो चेन का एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर था जो जिस पे वो मैन्युफैक्चर हुई है, और उसके बाद आपका सर्वे करने के बाद जो सर्वे के दौरान जो टेम्परेचर था उसका एवरेज ले लेते थे। एक ये था कि आधे दिन में इतना टेम्परेचर था और आधे दिन में एंड ऑफ द डे इतना टेम्परेचर था, तो ठीक है। तो टेम्परेचर करेक्शन का एक फॉर्मूला था, उसके बाद एक पुल का था, जो कि हम चेन को पुल और करते हैं किसी फोर्स से और तो उसमें क्या करेक्शन आता है, और ये आपका था सैग का, अगर ढीला छोड़ दोगे आप चेन को या टेप को तो भी उसमें मेजरमेंट करेक्ट नहीं आएगी। तो तीन चार तरीके के आपके करेक्शन थे, तो उन्हीं के ऊपर तीनों चारों एक ही न्यूमेरिकल में दी गिवन होते हैं, सिंपल फॉर्मूला लगाना होता है। टेम्परेचर करेक्शन ये दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है αT-T₀, एल सारी चीज़ गिवन है, लगाना है और ये आ गया टेम्परेचर करेक्शन। और टेम्परेचर करेक्शन हमारा हमेशा इलेक्टिव होता है, पॉजिटिव होता है, ऐड होगा। पुल करेक्शन का फॉर्मूला है सिंपल, P₀ - P₀ L A, सारा डाटा गिवन है, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अननोन हो, डाली और हमारा ये करेक्शन आ गया। सैक करेक्शन नेगेटिव होता है, W²L²24P², सारा डाटा दिया हुआ है, इसमें केवल W निकालना है आपको, वेट। वेट कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, सारी चीज़ें गिवन है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, आपको मटेरियल की डेंसिटी गिवन है, तो आप वेट निकाल लोगे, वेट यहाँ डालोगे और सब P²L² सब गिवन है, तो टोटल आ जाएगा। अब टोटल करेक्शन निकालना है आपको, तो ये है आपका टेम्परेचर, ये है आपका पुल, और सैक करेक्शन नेगेटिव होता है, तो टोटल आ गया आपका ये। करेक्ट लेंथ क्या होगी, जो आपकी लेंथ मेजर है, चेन की लेंथ है, उसमें पॉजिटिव ये कर देंगे, तो टोटल जो चेन की करेक्ट लेंथ होगी वो ये होगी। बहुत सिंपल है, लगता बड़ा है और न्यूमेरिकल भी थोड़ा बड़ा सा लगता है, बहुत सिंपल फॉर्मूले लगाने हैं आपको, और कुछ भी नहीं है इसमें, सारा डाटा गिवन होता है और काफ़ी अच्छे मार्क्स का आता है, तो इसको आगे से इसको छोड़ना नहीं, ठीक है। सेक्शन बी का 2 का D, और जो डिक्लिनेशन वाला था वो तो सभी ने ठीक ही किया है, किसी का भी रंग गलत नहीं है उसमें। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, सेक्शन बी का 2 क्वेश्चन नंबर C, जिसमें आपको निकालनी थी चेन की लेंथ, सभी का ठीक है, किसी का भी रॉन्ग नहीं है, शायद एक आध का है रॉन्ग, ठीक है। जो चेक करने वाली चीज़ होती है कि अगर चेन की जो लेंथ है वो 2 लॉन्ग है तो याद रखना मेजर एरिया हमेशा ज़्यादा आएगा, अगर 2 शॉर्ट है तो मेजर एरिया कम आएगा। जैसे इसमें इस केस में चेन की लेंथ 2 लॉन्ग है तो जो मेजर एरिया 250 m² वो ज़्यादा आ रहा है, 251। इसी से मैं पता कर लेता हूँ, मैं ज़्यादा चेक भी नहीं करता, इसी से मैंने पता कर लेता हूँ कि आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, आप भी चेक कर लेना एक बार, 2 शॉर्ट, शॉर्ट है तो आंसर भी शॉर्ट आएगा, लॉन्ग है तो आंसर भी लॉन्ग आएगा, इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो इसको। आवाज़ आ रही है ना, क्लियर? ठीक है, सर टू टू का ई डिक्लिनेशन वाला, ठीक है, ये भी सभी का सही है। आपको पता होगा कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ, एक ट्रू नॉर्थ होता है आपका मैप पे, ये MN बोल देते हैं इसको, ट्रू नॉर्थ, मैप नॉर्थ, और एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ, इसको मैग्नेटिक बोल देते हैं MEN, ठीक है, और एक लाइन है सर्वे लाइन, ठीक है, OA। अब मैग्नेटिक नॉर्थ से जो एंगल होगा वो मैग्नेटिक बेरिंग होगी, और जो आपका ट्रू नॉर्थ से मैप नॉर्थ से होगा वो होगी आपकी
ट्रू बेरिंग, तो आपको मैग्नेटिक बेरिंग गिवन है और डिक्लिनेशन गिवन है, ईस्टर्न वर्ड तो ऐड होगा, वेस्टर्न वर्ड होगा, सॉरी वेस्टर्न वर्ड होगा तो नेगेटिव होगा, ईस्टर्न वर्ड होगा तो ऐड होगा, ये सभी का सही है, लेकिन बहुत छोटा ना दे, 2 नंबर में देना चाहिए था, मैंने 5 नंबर में दे दिया। चलो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। फिर था आपका राइज एंड फॉल का, ठीक है, कुछ जिन्होंने जिन्होंने अटेम्प्ट किया है लगभग सभी ने ठीक किया, जिन्होंने अटेम्प्ट किया है ठीक है, और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया पता नहीं क्यों नहीं किया, सबसे इजी क्वेश्चन था ये, और जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनमें से एक आध बच्चे ने क्या गलती की है, क्या तो उसको व्हाट्सएप पे कॉपी करके भेजा गया डाटा, ठीक है, उसको टेबल बनाने की फुर्सत नहीं मिली कुछ नहीं, और ना ही चेक करने की फुर्सत मिली, इतनी जल्दी में किया हुआ। इसमें तो बहुत करेक्शन आते हैं, बहुत कटिंग वटिंग होती है जब करते हैं इसको सॉल्व, इतना मतलब वैल्यू लिखी हुई है बिना टेबल के, कोई कैसे कर सकता है पता नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, आपको ये चेक जरूर करना है, बिना चेक के लगभग आधे मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है, तो चेक जरूर करना है, टेबल जरूर बनानी है, रिमार्क का जरूर बनाना है, सब चीज़ें सही से आराम से लिखनी है, टीचर को समझ में नहीं आएगा वो काट देगा एकदम से। तो ये भी आप देख लेना, मैं अभी भेज दूंगा इनका सॉल्यूशन। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही कम रेयर है जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, टू सेक्शन सी का, टू का बी, जिसमें आपको करेक्ट बेरिंग निकालनी थी, सिंपल था। आपको इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कौन से स्टेशन पर है ना डिफरेंस बैक बेरिंग और फोर बेरिंग का, 180 आ रहा है इसका आ रहा है, यानी कि ये दोनों स्टेशन जो है, एसटी स्टेशन जो है, एस और टी दोनों फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है ना, और आप फिर इसी तरह से जो अगर ये फ्री है तो ये भी करेक्ट होगा आपका, ये करेक्ट होगा 201, अगर 201 करेक्ट है तो 180 माइनस करो तो ये करेक्ट वैल्यू निकल जाएगी, इस तरह से आप सारे करेक्ट निकाल सकते हो, बाद में एक टेबल और बना देना जिसमें करेक्ट वैल्यू होगी, या यहीं पर आप टेबल बना सकते हो, कुछ भी नहीं रहता इसमें। नेक्स्ट फिफ्थ है आपका, यही है आपका, तो यही न्यूमेरिकल थे केवल, देखो यहाँ पर बाद में टेबल बनाई गई है, तो यहाँ पे लिखा हुआ इस तरीके से, सॉल्यूशन भी इस तरीके से करना है, सॉल्यूशन के भी मार्क्स होते हैं। ये क्या है, ऑब्जर्व रीडिंग है जो मैंने न्यूमेरिकल में गिवन थी, ठीक है, ये एरर निकल के आया क्योंकि यहाँ पे 0 एरर दिया हुआ है, क्योंकि स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, देख करेक्ट बेरिंग हो गई, रिमार्क में लिख दिया है कि स्टेशन एस ऑफ टी एन इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, इस तरह से सॉल्व करने हैं। तो लगभग जो आपका आरएल वाले न्यूमेरिकल हैं वो सभी का ठीक है, डिक्लिनेशन वाला सभी का ठीक है, और चेन करेक्शन वाला सभी का ठीक है, ठीक है, थ्योरी में बहुत ज़्यादा गलतियां हैं लोगों की। तो ये मैं अभी लेक्चर ख़त्म होते ही ना आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सॉल्यूशन भेज दूंगा, और आप इससे ट्राई कर लेना। चलो ये वाइट बोर्ड भी नहीं चल रहा है, स्टार्ट करते हैं अब लेक्चर। यूनिट फोर्थ में फोर्थ का नाम है आपका मॉडर्न सर्विंग, ठीक है, मॉडर्न सर्विंग का मतलब है जो मॉडर्न इक्विपमेंट है उनको यूज़ करके सर्विंग करना, और अभी तक जो हम करते आ रहे थे कन्वेंशनल के बारे में था सारा, ठीक है, अब मॉडर्न जो आ गए इंस्ट्रूमेंट जो अभी फ़िलहाल यूज़ हो रहे हैं उनके प्रिंसिपल कैसे वर्क करते हैं वो क्या है, यही आपका पूरी फोर्थ यूनिट में है। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, एनोटेशन नहीं हो पाएगा ठीक है, वो सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी उसमें बैटरी होगी, कुछ पावर होगी जो आपका डिस्टेंस मेजर कर रहा है, ठीक है, नाम से ये चीज पता चल रही है। हिस्ट्री ऑफ ईडीएम, डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्टेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू विद इन डेवलपमेंट ऑफ रडार, रडार आपने सुना होगा, क्या कहते हैं डिफेंस के पास होता है ये रडार, जैसे क्या होता है रेडियो वेव्स होती हैं ठीक है, वो ट्रेवल करती हैं और वो हमारे आसपास में एरिया में जो भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन, वो कितनी दूर है और कितनी स्पीड से आ रहा है वो पता कर लेती है, क्योंकि जब वो उस मूविंग ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके वापस आती है तो उसकी वेवलेंथ में चेंज आता है, तो उसी फॉर्मूले इक्वेशन को लगा के वो पता कर लेते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट हमारे आसपास या कोई प्लेन हमारे आसपास, डिफेंस से पता लगाते हैं ना, आपने मूवीज देखी होगी कोई प्लेन आ रहा है, कोई मिसाइल आ रही है, तो उससे आप रडार से पता कर लेते हैं, ठीक है, इसकी भी लिमिट्स होती हैं, ठीक है, कुछ लोग इससे रडार की उनको लिमिट्स पता होती है कि यहाँ पे कौन सी रडार
आपकी लिमिट क्या है, कितनी हाइट पे है, कितने नीचे आप उससे बच सकते हो। रडार टर्नो डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट लेटर रिवर्जन स्पीड, ऑब्जेक्ट थ्रो, डॉपलर इफेक्ट। ये डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि यही होता है डॉपलर इफेक्ट कि किसी ऑब्जेक्ट कोई मूव हो रहा है और उससे हमारा कोई वेव्स जो रेडियो वेव्स है उसके रिलेटिव, उसकी मूवमेंट के रिलेटिव जो फ्रिक्वेंसी में चेंज आ रहा है। ठीक है, किसी भी चीज़ की रिलेटिव में कोई चीज़ चेंज हो रही है तो हम उसकी पोजिशन लोकेशन निकाल सकते हैं उस रिलेशन से। समझ रहे हो कि कोई फ्रिक्वेंसी अगर चेंज हो रही है वो भी स्पीड के वजह से, रिलेटिव टू स्पीड, यानी ज़्यादा स्पीड है तो अलग पैटर्न में चेंज हो रही है, कम स्पीड है तो अलग पैटर्न में चेंज हो रही है, तो उससे क्या हो सकता है आप उस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी पता कर सकते हो। तो ये अभी हिस्ट्री चल रही है, 1949 डॉक्टर एरिक बर्गस्टैंड ऑफ स्वीडन रिड्यूस है जियो डीमीटर, EDM जैसे ही एक जियो डीमीटर इन्होंने इन्वेंट किया था 1949 में, जिसकी जो वेव लेंथ यूज़ करता था, लाइट यूज़ करता था, उसकी वेव लेंथ होती थी 550 नैनोमीटर, उसका जो वज़न होता था वो 100 kg होता था। फर्स्ट इंट्रोड्यूस EDM 1950 में हुआ था, फर्स्ट कॉम्पनी लार्ज हैवी एंड सुटेड प्राइमरी लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, बड़ा होता था, बहुत हैवी होता था वो, तो आपको पता ही है कि बहुत पहले के टाइम में जितने भी आज के इंस्ट्रूमेंट है वो करे कंप्यूटर ले लो, कुछ भी ले लो, बहुत बड़ी बड़ी होती थी। तो फिर ये सेम एज ये भी बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता था, बहुत हावी हैवी इंस्ट्रूमेंट होता था, लगभग 100-200 किलो का। आज तो नहीं होता है, आज तो होता है ज़्यादा ज़्यादा आपका 3-4 किलो का, 5 किलो का। ठीक है, करंट EDM यूज आइदर इंफ्रारेड लाइट वेव्स और माइक्रोवेव रेडियो वेव्स। अभी जो आपका EDM यूज़ हो रहा है उसमें दो तरह की वेव्स में से कोई भी, एक इंफ्रारेड और रेडियो वेव, दोनों के अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, दोनों की अपनी रेंज अलग अलग होती है। ठीक है, माइक्रोवेव रिक्वायर्ड ट्रांसमीटर रिसीवर एट बोथ एंड। अब देखो ये बता रहा है कि जो माइक्रोवेव है उसको रिसीवर बोथ एंड पे चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रांसमीटर रिसीवर एट बोथ एंड, यानी कि आप अगर डिस्टेंस मेजर कर रहे हो ए से बी पे और ए पे EDM रखा है तो बी पे भी एक रिसीवर रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये माइक्रोवेव्स में है, यानी कि रेडियो वेव्स में। इंफ्रारेड यूज ट्रांसमिट इज वन एंड एंड रिफ्लेक्टेड प्रिज्म एट द अदर एंड इज जनरली यूज मोर फ्रिक्वेंटली। ये कह रहा है कि वहाँ पर तो एक रिसीवर रखा था माइक्रोवेव्स के लिए, लेकिन इंफ्रारेड अगर यूज़ कर रहे हैं EDM में, जो हमारे कॉलेज में है, आपका जो लैब में आप देख पाओगे कभी आओगे तो, ठीक है, भले ये सेमेस्टर खत्म हो जाए लेकिन जब भी आप आओगे तो इंस्ट्रूमेंट जरूर देखना, वरना सर्विंग आपको समझ में नहीं आएगी। लैब में विजिट करके ना एक एक इंस्ट्रूमेंट को देखना। तो जो लैब में जो इंस्ट्रूमेंट है आपका EDM, वो इन्फ्रारेड पे है, उसके लिए हमारे पास एक प्रिज्म होता है। ठीक है, प्रिज्म एक स्टैंड होता है, उसके ऊपर एक प्रिज्म लगा होता है, प्रिज्म से स्ट्राइक करती है और वापस रिटर्न पीरियड जो होता है उसी से हम डिस्टेंस निकालते हैं, मतलब ऑटोमेटिक निकालता है, हम नहीं निकालते, उसके अंदर कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होती है। तो वो उसके जो उससे स्ट्राइक करके जो रिफ्लेक्शन जो उसका टाइम लगता है और स्पीड वेलोसिटी इन सबको वो करके आपका कैलकुलेट करके वो डिस्टेंस निकालता है। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री एंड वो सॉरी डिस्टेंस रेंज अबाउट 10 किलोमीटर ड्यूरिंग डे नाइट एंड 25 किलोमीटर नाइट। ठीक है, जो EDM की जो रेंज होती थी वो दिन में होती थी आपका 10 किलोमीटर और रात को होती थी 25 किलोमीटर। गेटर रेंज ड्यूरिंग डे नाइट अचीव बाय यूजिंग रेडियो वेव एंड डॉक्टर वेडले साउथ अफ्रीका इंट्रोड्यूस टेलुओमीटर। अभी जो एक बताया था ना जियोडियोमीटर और एक टेलुओमीटर, ये इसका क्लासिफिकेशन है, इसको याद रखना आ जाता है। इंस्ट्रूमेंट यूज एक्स बैंड रेडियो वेव, बहुत तरह के बैंड होते हैं, स्पेक्ट्रम होते हैं जिसमें अलग अलग फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है। ठीक है, तो एक रेंज हो गई एक्स बैंड की, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी की। द रिसीव एंड ट्रांसमिट एंड लुक सिमिलर रिसीवर एक्चुअली ट्रांसमिट सिमिलर द जियोडीमीटर यूज फॉर मोर कॉर्नर क्यूब रिफ्लेक्ट डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर कुड बी मेजर इन डे लाइट एंड दिस इंस्ट्रूमेंट लेटर मॉडल्स। ये जो इसकी बात करें टेलुओमीटर की, जिसकी डिस्टेंस अप टू आपकी डे लाइट में 50 किलोमीटर तक ये मेजर कर सकता है। EDM की प्रॉपर्टी है, ठीक है, दे कम इन लॉन्ग 10 to 20 किलोमीटर, मीडियम जो आता है वो 3 से 10 किलोमीटर और शॉर्ट रेंज जो आता है 5 से 3 किलोमीटर रेंज, लिमिट्स अप टू 50 किलोमीटर। ये उस EDM की बात हो रही है जनरली हमारे जो कंस्ट्रक्शन साइट पे या सर्वे पे यूज़ होता है। ये सब चीज़ें ना डिफेंस में भी यूज़ होती हैं, जो बहुत हाई एक्यूरेसी और हाई रेंज की होते हैं, लेकिन हमें हाई रेंज की ज़रूरत नहीं होती इसीलिए हम ये वाले यूज़ करते हैं। दे आर टिपिकली माउंटेड एट टॉप ऑफ थ्योरी लाइट। अब जो थ्योरी लाइट है, थ्योरी लाइट से हम क्या करते हैं, थ्योरी लाइट से हम एंगल मेज़र करते हैं। ठीक है, याद हो मैंने बताया था जब थ्योरी लाइट का इंट्रोडक्शन हो रहा था, मैंने बताया था कि थ्योरी लाइट में आप एंगल मेज़र कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल। अगर आप टेप से एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही मेज़र कर लोगे और एंगल भी आपको पता है तो आप किसी की वर्टिकल डिस्टेंस निकाल सकते हो। लेकिन इसमें
लाइट में जरूरत किस चीज़ की पड़ती थी आपको, टेप की या चेन की, और डिस्टेंस मेजर करने के लिए। लेकिन अगर हम ये ईडीएम थ्योरी लाइट के ऊपर ही लगा दें तो चेन और टेप की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो यानी कि हम डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, एंगल मेजर कर सकते हैं, और डिस्टेंस और एंगल से हम ट्राइंगल प्रॉपर्टीज, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी से हम हाइट भी मेजर कर सकते हैं, है ना। तो यही इसमें बताया गया, टिपिकली माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द ट्रिली, जो एडवांस थ्योरी लाइट आते हैं उनके ऊपर ये लगा होता है एडीएम, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, नहीं कर रहा, ये यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया थ्योरी लाइट टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन जो है वो एडवांस वर्जन है थ्योरी लाइट का, ठीक है। अगर थ्योरी लाइट में स्क्रीन लगा दो, माइक्रो प्रोसेसर लगा दो, ईडीएम लगा दो, तो क्या बन जाएगा आपका, टोटल स्टेशन, ठीक है। स्टेशन भी हमारे पास है, वो भी आपके प्रैक्टिकल में है यूज़ करना। आज जो ज़्यादातर आपको देखेगा, जो बड़ी बड़ी कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी काम करती है, जो येलो कलर का इंस्ट्रूमेंट आप देखते हो, अगर उसमें आपको डिस्प्ले दिख जाए तो समझ जाना कि आपका टोटल स्टेशन है। अगर डिस्प्ले नहीं है तो थ्योरी लाइट है, ठीक है। अब आप दिन में, दिन की रोशनी में, या थोड़ा शाम को, या मौसम बितन कैसे कैसा होता है, और आपकी आई साइट कैसी है, तो आप थ्योरी लाइट से जब काम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है रीडिंग मेज़र करने में। इसलिए आप क्या यूज़ करते हो, टोटल स्टेशन। ईडीएम क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बेस पे क्लासिफाई किया हुआ है। एक तो कि माइक्रोवेव यूज़, रेडियो वेव यूज़ करते हैं, दूसरा लाइट इंफ्रारेड या फिर लेज़र लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। रेंज के पे डिपेंड करके भी इसको क्लासिफाई किया है, 30 से 50 किलोमीटर मीडियम, और आपका लाइट ईडीएम जनरली 3 से 5 किलोमीटर रेंज का होता है, जिसे शॉर्ट रेंज बोलते हैं। जियो जियोडेटीमीटर का ये एक पिक्चर है जो 1959 में इन्वेंट किया था, देखो कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। आपका ये है जियोडेटीमीटर, फिर आपका 1966 में इन्वेंट किया, इसको मॉडिफाई किया, तो ये आ गया। इसका बैक एंड फ्रंट दिया हुआ है, देख रहे हो, उसमें लेंसेज लगे हैं। इसमें से पर्पस होता है कि वेव्स को या फिर लाइट को ट्रांसमिट करना किसी एक डायरेक्शन में। जो आपने देखा होगा ना, बच्चों के खेलने के लिए आती है वो लेज़र लाइट है। अब वो किसी आप प्रिज्म में मारोगे, उसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर और लग जाए, जो कैलकुलेशन कर ले उसकी रिफ्लेक्शन रेट को, उसकी वेलोसिटी को, डिस्टेंस मेजर हो जाएगा। ये टेलोमीटर है जो भी बताया था मैंने, एग्जांपल ऑफ सिरसा 1962 में मॉडल इन्वेंट हुआ था, 1.7 kg का, ये 9 kg का था। मॉडर्न वर्जन, दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट आर नाउ डायरेक्टली बिल्ट इन द टेलीस्कोप असेंबली, थियोडोलाइट कैन यूज ऑफ द कंस्ट्रक्ट एंगल। ये वो है आपका टोटल स्टेशन, इधर जो येलो कलर का है, ठीक है। ये है आपका प्रिज्म, ये भी आपके कॉलेज में है प्रिज्म, ठीक है, और ये आपका थियोडोलाइट है। EDM का जो काम करने का तरीका है वो यही है कि आपका यहाँ से वेव्स या लाइट ट्रांसमिट की गई, यहाँ पे रिफ्लेक्टर एक रखा हुआ है जिसे प्रिज्म बोलते हैं, यहाँ पे वो इंफ्रारेड लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आपके ट्रांसमीटर पे जाती है, ठीक है। तो वापस आपके ट्रांसमीटर में जाएगी तो वो उसकी वेलोसिटी से पता कर लेगा डिस्टेंस। यहाँ पे देखो, एक जानने वाली चीज़ ये है कि अगर आपका जो रिफ्लेक्टर है वो टिल्ट होगा या सही डायरेक्शन में नहीं लिखा रखा होगा, तो जो लाइट है वो उस पर रिफ्लेक्ट होके कहीं और जाएगी, ठीक है। तो लाइट बिल्कुल रिफ्लेक्ट होके सीधी इंस्ट्रूमेंट के पास आनी चाहिए। तो कैसे पता चलेगा इंस्ट्रूमेंट के पास आएगी, है ना। एक तो उसके अंदर एक सेंटर बना होता है प्रिज्म के अंदर, तो लाइट वहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट, जो आपके रिफ्लेक्टर के पास जो खड़ा होगा वो देखेगा कि लाइट की जो डॉट है वो सेंटर पे आ रही है नहीं आ रही है। आप वहाँ से ट्रांसमीटर से भी आप देख सकते हो टेलीस्कोप से कि ना आ रही है नहीं आ रही है, फिर बाद में रिफ्लेक्ट होके उसी के ऊपर आती है, तभी जाके आपके कैलकुलेशन से डिस्टेंस मेजर हो पाती है। ये इसका प्रिंसिपल है, वेव इज ट्रांसमिटेड रिटर्निंग वेव मेजरिंग फाइंडिंग डिस्टेंस ट्रेवल, जो अभी बताया है। यहाँ पे देखो, वेव टाइप की ये रिफ्लेक्शन है। अब वेव टाइप का रिफ्लेक्शन है तो कैसे निकालते हैं, सिंपल है, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे इसमें, कुछ फॉर्मूला वेव लेंथ पे इंक्लूड होती है इसमें, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, उसको जानने की जरूरत नहीं होता, मशीन के अंदर ही फिट होता है आपका। फिर भी देखो, ये ट्रांसमिट एनर्जी, रिटर्न एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है, वी वेलोसिटी, एफ फ्रिक्वेंसी, और ये आपका वेव लेंथ। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो वेलोसिटी, और ये है आपका डिस्टेंस मेजर करनी हो आपको, तो ये है आपका एन नंबर ऑफ वेव लेंथ, वेव लेंथ प्लस एंगल प्लस टू। ये फॉर्मूला आप याद कर लें, डिस्टेंस डिटरमाइंड बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ वेव लेंथ ट्रेवल। एरर जनरली स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट, शॉर्ट डिस्टेंस फॉर लॉन्गर टर्म कैन मोर इंपॉर्टेंट एरर, ईडीएम हैज बीन कैपेबिलिटी। वेलोसिटी ऑफ लाइट कैन बी,
रखना। देखो इसमें आ रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो अफेक्टेड हो सकती है टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर और वाटर वेपर कंटेन की वजह से। एयर में वाटर वेपर कंटेन होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है, ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर आपका क्या होता है, हाइट पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर, इन तीनों चीज़ों से आपका जो लाइट की वेलोसिटी रिफ्लेक्ट हो सकती है उसमें अफेक्टेड हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ EDM 750 से 1000 मीटर की रेंज के भी आते हैं, एक्यूरेट 5 mm से प्लस माइनस 5 ppm। ऑपरेटिंग टेम्परेचर इतना होता है 20 -22 50 डिग्री। 1.5 सेकेंड टिपिकली कंप्यूटिंग ए डिस्टेंस, इतना टाइम लेता है। स्लो ऑपरेशन इधर मैनुअल ऑटोमेटिक, सम एवरेज रिपीटेड मेजरमेंट, सिग्नल एट्यूनेशन, बैटरी ऑपरेटेड कैन यू परफॉर्म 350 to 400 मेजरमेंट्स। प्रिज्म होता है जो आपके कॉलेज में है वो इधर वाला जो है आपका, ये सिंगल वाला जो है इस टाइप का प्रिज्म होता है, इधर आपको ट्रिपल प्रिज्म भी लगे हुए हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और कुछ नहीं होता, जो आपकी लाइट है इस पे देख रहे हो, आपके तीन वाले में देखो एक बीच में एक डॉट सी दिखाई दे रही है ना, तीन लाइन है वाइट वाइट सी, तो इसी तरह का होता है एक सिंगल में भी, जैसे सेंटर में बदल जाता है टेलीस्कोप से हम देख के उसको एक्यूरेटली लाइट को इस पे कॉन्साइड करा देते हैं। ये डिस्टेंस है, उसमें एरर कितना आ सकता है, इसमें प्रिसाइजन कितना है, इस टेबल की ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की, ठीक है। एरर एंड एक्यूरेसी, पर्सनल एरर, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर, नेचुरल एरर, पर्सनल, वो तीन टाइप के एरर होते हैं, तो आपको याद भी हो गए होंगे और आप खुद भी बता सकते हो कि पर्सनल एरर क्या हो सकते हैं। केयरलेसनेस हो सकती है, सेंटरिंग ना की हो, लेवलिंग ना की हो, टेम्परेचर प्रेशर मेजरमेंट ना किया हो, इंस्ट्रूमेंट में क्या कैलिब्रेट ना हो, इलेक्ट्रिकली कल सेंटर ऑफ प्रिज्म सही से ना हो, कांस्टेंट प्रिज्म का ना हो, ठीक है। नेचुरल में क्या हो सकता है आपका, नेचुरल में वही आपका एयर है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, प्रेशर वेरिएशन है, ये टेम नेचुरल है आपका। अच्छा, उस नेचुरल नेचुरल इफेक्ट जो हैं उनको मेज़र ना करना, ये पर्सनल एरर हो गया, उनको मेज़र करने के बाद उनकी वजह से जो एरर आ रहा है वो आ गया आपका नेचुरल एरर, ठीक है। इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कुछ लिखा हुआ है सिस्टमेटिक एरर। माइक्रोवेव में एटमॉस्फेयर कंडीशन में और ये एरर आते हैं, और लाइट में ये एरर आते हैं, सब लगभग सेम से ही है, ठीक है। जो आपका माइक्रोवेव है उसमें रिसीवर रखा होता है, प्रिज्म नहीं होता, ये ध्यान रखना, और जो आपका लाइट वाला होता है इन्फ्रारेड वाला, उसमें प्रिज्म रखा होता है। ये इस तरह से आप देख सकते हो, ये प्रिज्म है, यहाँ आपने जब टेलीस्कोप से या थेडोलाइट से आप देखोगे तो इस तरह से क्रॉस हेयर दिखाई देगा, और आपको उसको कॉन्साइड कराना है उसके सेंटर से, तो आप ऑटोमेटिक लाइट वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। डिसएडवांटेज, टोटल स्टेज डिपेंडेंट ऑन द बैटरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एलसीडी स्क्रीन डज नॉट वर्क व्हेन इट इज कॉल्ड, बैटरी लाइफ ऑल्सो शॉर्ट, बैटरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड डू नॉट वर्क वेल वैन वेट, टोटल स्टेशन टिपिकली हैवियर दैन ट्रांसमिटेड, लॉस ऑफ डाटा इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशन। ये इसकी डिसएडवांटेज है, इतनी कुछ खास डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है। ये इम्प्रूव की जा सकती हैं, बैटरी अच्छी लाई जा सकती है, दो ऐसे जो हमारे जो थोड़े लाइट इसके दो बैटरी होती हैं, एक बैटरी साथ लेके चलते हैं चार्ज होती है, फिर दूसरी भी चार्ज होती है, ठीक है। तो ये था आपका EDM। इस तरह से ना फोर्थ यूनिट में हर इंस्ट्रूमेंट का आपका जो आपका जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है उन सबका इस तरह से कैसे वर्क करते हैं, क्या उसके पार्ट्स हैं, क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, यही है आपका फोर्थ यूनिट में। और आपका जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम में आएगा वो इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि किसी एक इंस्ट्रूमेंट का नाम दे के कि इसका स्केच डायग्राम, इसका क्लासिफिकेशन, इसका वर्किंग प्रिंसिपल आप बताओ। तो आपका फोर्थ यूनिट में इस तरह से थ्योरी है। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, वरना फिर क्लास को लीव करते हैं। और जिनके भी क्वेश्चन अनचेक थे वो मैंने कर दिए हैं, रिटर्न कर दिए हैं, वो देख लेना, ठीक है। ठीक है, लीव कर दो क्लास।